नमस्कार दोस्तों, प्रगतिशील टैगोर स्वयं सहायता समूह का ये प्रोजेक्ट है। गांव बवानिया में हम पहुंचे हैं। हमारे साथ हैं बनारसी देवी जी, ये प्रोजेक्ट के संचालक हैं, ये चलाते हैं इस प्रोजेक्ट को, बहुत सारी महिलाओं को जोड़कर आगे लेकर चल रहे हैं। और पीछे आप देख भी सकते हैं बहुत सारे डेमो में प्रोडक्ट हमारे लगे भी हुए हैं। इनके बारे में जानेंगे क्या क्या प्रोडक्ट्स यहाँ बनाए जाते हैं। आइए बात करते हैं बनारसी देवी जी से। पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं बनारसी देवी, गांव बवानिया, प्रगतिशील टैगोर स्वयं सहायता समूह के साथ हम 5 साल से 12-16 महिलाएं काम कर रहे हैं लगातार। पहले तो शुरुआत में हमें सबसे पहले बवानिया पिक्कल से शुरुआत करी थी, अचार से, जिसकी 12 महिलाओं का भी मैं एक बार आपसे नाम शेयर करना चाहूँगी, ताकि ये रात दिन मेहनत करती हैं महिलाएँ, आज अपना एक नाम के साथ काम कर रही हैं। तो जिसकी प्रधान है भागवंती देवी, सचिव है कृष्णा देवी, कोष अध्यक्ष है खा देवी, उसके आगे है माया देवी, सविता देवी, सुमन देवी, चलती देवी और मंजू देवी, मंजू प्रदीप, मंजू रामपत है, तीसरी चौथी जो है राजबाला और मीना। ये 12 महिला इस प्रगतिशील टैगोर की हैं। मैं आज अपने प्रोजेक्ट के साथ, भाई साहब हमारे पास आए हैं, इनके बार बार धन्यवाद। जो हम काम हमें कैसे शुरू करा और कब से शुरू करा, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो भाई साहब ये काम हम 2016 से अचार का काम कर रहे हैं। हम छोटे से काम शुरू किया था, जैसे 20 किलो मिर्च ले आए, 50 किलो ले आए, 60 किलो ले आए। तो हर साल हम अपना दरगढ़ से केवीके से जुड़े, वहाँ हमें सभी महिलाओं को ट्रेनिंग दिलाई केवीके से, और ट्रेनिंग दिला करके उनने हमें एक आश्वासन दिया कि आप अपना छोटा सा काम शुरू करो ताकि हम आपके साथ हैं। तो उनने हमें, जो आप ये देख रहे हैं मैज, ये महिलाएं काम कर रहे हैं, परात पतीले मशीन, जो कि जो अचार हम बनाते हैं उसके लिए जो मशीन है, वह मसाले हम साबुत लाते हैं कि हमारे गांव की बच्चे जो खा अचार खाने वालों को कैसे बचाया जाए बाहर की चीज़ों से, कि हर मसाला जो तैयार आता है उसमें कुछ न कुछ मिलावट ज़रूर होती है। तो इसलिए मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, मेरे पास सारे उपलब्ध हैं साबुत मसाले और मशीन। तो साबुत मसाला ला करके ये महिलाएं खुद पीसती हैं और खुद तैयार करके ही अचार बनाती हैं। तो हमें 50 किलो से 20 किलो से कराया था, लेकिन आज जो ये महिलाएं अचार घाल रही है, 10 क्विंटल कैरी सीजन वाई हर अचार घालती हैं। जैसे पीछे 10 क्विंटल कैरी का डाला था, 5 क्विंटल लेसवा डाला था, 5 क्विंटल नींबू डाला था, अब जो सीजन चल रहा है आंवला का, जो आपके सामने महिलाएं काम करती हुई मैं आपको दिखाऊंगी। पहले जी हमें एक बार अचार बताओ, कौन कौन से हम लोग अचार बनाते हैं। हमारे पास साबुत मिर्च है जो राई के साथ भर के बनाते हैं, इसके चर्चे हमारे चंडीगढ़ तक है, ऑर्डर आ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त बनाती हैं महिलाएं हरी मिर्च का। ठीक है, इसके अलावा और क्या उसके अलग है हमारे पास टीट, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, सभी को पता है कि ये बनियों में पैदा होता है, इसमें किसी तरह का कोई केमिकल है, टीट है ये। तीसरा ये हमारी गाजर जो सीजन वाई हम बनाते हैं, ये है लेसवा, लेसवे का अचार, यह है करेला, करेला का अचार है, यह है करुंदा, करुंदा का अचार जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, खून बढ़ाने में बताते हैं बहुत ही सहयोग करता है। तीसरा है हमारा आम का और हरी मिर्च का। सीजन वाई कहने का मकसद, हम सभी अचार डालते हैं सीजन वाई, जिस चीज का भी सीजन होता है वो 5-7-10 क्विंटल हम डाल के रख लेते हैं। अचार किसी को चाहिए तो कैसे आपसे मंगवा सकते हैं, मतलब क्या है? हमारे फोन से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जी, बताएं उनके बारे में हमें। सर उसके बाद में हमें शुरुआत कर दी आंवले से, मैं मोटे अनाज पे बाद में जाऊंगी क्योंकि आंवला भी एक अचार में है, आंवला का भी अचार है हमारे पास। तो आंवले का हमें 5 प्रोडक्ट तैयार कराया है, जिसमें से पहला प्रोडक्ट ये है लड्डू, आंवले के लड्डू, दूसरा है आंवले की जैम, जो कि ये जैम है ये मैं कहूँगी कि ये शुगर के साथ बनी हुई है, तो उसके लिए भी हमें दूसरा, जैसे हमारे पास अभी आपके सामने भी फोन आ रहे थे कि शुगर वालों के लिए क्या है आपके पास में, तो शुगर वालों के लिए हमें गुड़ से बनाया ये आंवला च्यवनप्राश, च्यवनप्राश आंवले का, तो इसे बच्चे बूढ़े सभी खा सकते हैं, सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें जो आइटम डले हैं वो बहुत ही बेस्ट डले हैं, अजवाइन, काली मिर्च,
जीरा और अपना ये काला नमक जो भी जले बेस्ट चीज़ है इसके अंदर जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी है। तो इसे शुगर वाले बहुत अच्छे से खा सकते हैं, उनको बहुत फायदा मिलेगा। आंवला का गुण के बारे में तो सभी को पता ही है। तो एक बात अगर हम जाने, लोग मार्केट में च्यवनप्राश जैम मिलते हैं, उनसे हमारे में क्या अलग है? मतलब लेकिन जो हमारी महिलाएं हाथ से जो सामान बना रही, एक मशीन के द्वारा तैयार किया जाता है, ये हाथों से जो चीज़ को तैयार करती है अच्छे से ढंग से, तो वह चीज़ें क्वालिटी बड़ी कंपनियों के अंदर नहीं मिलेंगी जो महिलाओं के हाथों से हैं। एक तो माँ घर में खाना बनाती है, एक हम होटल का खाते हैं, बस यही डिफरेंस है इन चीज़ों में। ये हमारे ये समूह की घर जैसी चीज़ें हैं। तो ये जैम है, ये भी आंवले की है और ये च्यवनप्राश भी आंवले का है। तो ये कितने कितने ग्राम की पैकिंग? ये 500 ग्राम की पैकिंग है। ये 500 ग्राम के ज्यादा भी मिल जाता है? हाँ, ज्यादा भी किलो का कहे तो हम किलो का भी कर देंगे, हम पैक करके दे देंगे उन लोगों को, ठीक है, जैसा भी है जो हमारे पास। आंवले से जैम हो गया, च्यवनप्राश हो गया और आंवले की कैंडी, आंवले की कैंडी है हमारे पास, अभी ढंग से सूखी नहीं है इसीलिए मैंने आपको नहीं दिखाई पैक करके, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आंवले कैंडी है। ये आंवले की कैंडी है। हाँ जी, अभी इसे ढंग से अच्छे से सूखी नहीं है, तैयार नहीं हुआ है। हाँ, पैक नहीं करी है हमें इसीलिए। तो आंवले की ये कैंडी है और आंवले का मुरब्बा है। मुरब्बा, हाँ जी, वह भी कल शायद हम डब्बों में भर सके, 7 दिन का प्रोसेस होता है इनका आंवले का, तो वह भी हमारा कल तैयार हो जाएगा। ये छोटी पैकिंग में भी ये छोटे में इसलिए कर दिया कि अगर किसी बच्चे लेना चाहे, दुकान से बच्चे लेते हैं 10 रुपए के 20 रुपए का आइटम, बिल्कुल, कि हर बच्चे तक इसका टेस्ट पहुंचे, हर परिवार तक, तो ये पैकिंग है हमारी 20 रुपए की। 20 रुपए की, हर बच्चा 10 रुपए 20 रुपए डेली खाए लेकिन वो अच्छी चीज खाए, इसलिए हमें छोटा कर दिया। और ये है हमारी 40 रुपए की, ये दो पैकिंग में है। कितना आ जाता है इसमें? इसमें 100 ग्राम है, इसमें 50 ग्राम। हाँ जी, तो ये दोनों पैकिंग हमें इसीलिए बनाई है कि किसी को हम चेक कराएं या किसी को सैंपल दें तो हमारे लिए बहुत ही आसान होगा और बच्चों को खरीदने में भी आसानी होगी, इसलिए हमें ये छोटे प्रोडक्ट बनाए हैं कि बड़ा तो जो खाएंगे तो ऑर्डर देंगे तो बड़ा तो हम उनको दे ही देंगे। नहीं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट लग रहे हैं, मैंने भी टेस्ट करे अभी, काफी अच्छा टेस्ट है आपके आंवले के प्रोडक्ट्स का। तो ये आंवले के ये लड्डू बताए आपने? हाँ जी, ये लड्डू है आंवले के। तो ये कैसे, क्या मतलब, चीनी डालते हैं इसमें, कैसे रहता है? इसके अंदर हम चीनी भी डालते हैं और गुड़ भी डालते हैं, अलग अलग दोनों तरह से बन सकते हैं ये। और इसके अंदर नारियल का बुरादा है, जो भी चीज़ है बढ़िया है सेहत के लिए, क्योंकि थोड़ा सा जब हम बनाते हैं ना तो थोड़ा सा लूज रहता है, इसलिए हमें इसके नारियल में बनाया जाता है, तो नारियल के साथ आंवले के लड्डू है। तो इसके अलावा और दिखाएं हमें, हम क्या बना रहे हैं? इसके अलावा हम मोटे अनाज के ऊपर आ गए हैं, जैसे कि सरकार ने भी 1 तारीख से शुरू कर दिया है, तो ये है बाजरे के प्रोडक्ट, यह है बाजरे के मटर, जो आज से पहले हमारी महिलाएं मैदा से बनाती थी जी, हम बाजरे से बनाए हैं, नमकीन है ये, शुगर वाला बहुत अच्छे से खा सकता है, हमारे बच्चे स्कूल में टिफिन में ले जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे बाजरे से बहुत दूर चले गए हैं, बच्चे तो क्या हमारे बुजुर्ग भी चले गए हैं कि घर में बाजरा खाना बंद हो गया, तो ये बाजरों को घर घर से तक पहुँचाना, बच्चों को खिलाना उनको टेस्ट, तो ये है मटर बाजरे के। उसके अलावा हमारे पास है ये मीठी सुवाड़ी, हम इनको बोलते हैं मीठी सुवाड़ी, शक्करपारा कुछ भी बोल सकते हैं, ये भी हमारे बाजरे के हैं, ये मीठे में है, वह नमकीन था, ये मीठे में काट दिया जी। ये हमारे पास बाजरे के लड्डू, बाजरे के लड्डू जो कि गूंद को भी माफ करते हैं, जो खा लेगा ना वो गूंद को भूल जाएगा कि हमें गूंद खाना है। इसमें भी हम जरा सा गूंद डालते हैं, कम मात्रा में डालते हैं, बाजरे के लड्डू में हम गूंद डालते हैं लेकिन उतना नहीं डालते जितना हम गेहूं के साथ बनाते हैं, कम मात्रा में डालते हैं ताकि इनका टेस्ट बहुत ही बढ़िया बने। तो ये बाजरे में, ये बाजरे में। हाँ जी। और क्या खास बात है इनकी, आपके बाजरे के प्रोडक्ट्स की? इनकी सबसे बड़ी बात ये जो हमारा बाजरा है ये ऑर्गेनिक है, तो ये भी एक सेहत के लिए हमारे बहुत ही अच्छी बात है, जो ये प्रोडक्ट बाजरे के जितने भी हमें बनाया ये ऑर्गेनिक है। और इसके साथ में हम बाजरा की खिचड़ी बनाते हैं, क्योंकि लोगों को मेहनत करने से बहुत दूर चले गए। ये है बाजरे की, आपको नई चीज़ें दिखाऊं, बाजरे की नमकीन। अच्छा, आपको नहीं सुना होगा, मार्केट में जो सुनता है सुन के देखता रह जाता है खा करके, ये है बाजरे की नमकीन जी।
जो हमारी महिलाएं बहुत ही अच्छे से ऑर्डर हाथ के हाथ डेली ऑर्डर आ रहे हैं, डेली तैयार कर रही है बाजरे की नमकीन बच्चों के को जैसे कुरकुरों से इनसे दूर करने के लिए, बच्चे भी इन्हें बहुत खुश होकर खा रहे हैं। तो मतलब बाजरे के भी अपने प्रोडक्ट्स बना रखे हैं, आंवले के भी प्रोडक्ट और अचार के प्रोडक्ट, अचार के प्रोडक्ट है जी। और इसके साथ बाजरे की खिचड़ी भी हम तैयार करके ऑर्गेनिक पैक करके और लोगों तक पहुँचा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज भी हमारी महिलाएं लग रही है खिचड़ी कूटने के लिए, जो से हम घर के अंदर कूटते हैं, हम औरत से ये मेहनत नहीं होगी जो हमारी महिलाएं कर रही हैं जी। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपके अवेलेबल हैं, आप बनाती हैं महिलाएं या मिलकर, भवानिया गांव है महेंद्रगढ़ के पास। तो अगर आप जैसे इनके अवेलेबल स्टॉल्स के थ्रू होते हैं, बाकी फोन नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल में आप नीचे स्क्रीन पे देख लेंगे तो बात कर सकते हैं। अगर ग्रुप में ज्यादा बल्क ऑर्डर होगा तो ये आपको कोरियर भी करवा देंगे, और अगर आप कोरियर चार्ज दे देंगे तब तो आपको एक दो पीस भी पहुंच जाएंगे, कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल से। हां बिल्कुल, ऐसा एक बार इनकी कॉस्टिंग बता देंगे। 500 ग्राम में हरी मिर्ची का अचार है, ये 100 रुपए का है जी। ये सर करुंदा है, ये 200 रुपए का है, ये पेवर सिरसों का तेल के अंदर जी। ये सर करेला है, ये भी 200 रुपए किलो है जी। ये हमारा लहसुआ है, ये 170 रुपए किलो है। गाजर है 130 रुपए किलो है। टीट का जो हमारा है ये कॉस्टली है, ये 350 रुपए किलो है। और आम का 170 रुपए। ये हाफ केजी की पैकिंग है। हाँ जी, एक किलो की, एक किलो, किलो की, पैकिंग, किलो की है जी, सारी किलो की है। मिर्ची की 500 ग्राम की है जी, ठीक है, बाकी तो सारी किलो की है। 500 ग्राम का डब्बा, ये 200 रुपए का है, ये 200 का, 400 रुपए किलो आंवले की जैम है। और ये चमनप्रास भी 400 रुपए किलो है, 400 रुपए, ये 200 रुपए का डब्बा है, ये 200 रुपए का सर। और बाजरे के जो प्रोडक्ट हैं, ये 500 ग्राम का है सर, ये अपने यहाँ 130 रुपए का है, 130 रुपए का सर। नमकीन का भी, हाँ सर, हाँ बिल्कुल, ये नमकीन है सर, ये 100 रुपए का पैकेट है। कितना? 300 ग्राम, 300 ग्राम का, 300 ग्राम का पैकेट है सर। लड्डू, लड्डू है सर, वो 500 रुपए किलो है, ये बाजरे का लड्डू, बाजरे के लड्डू 500 रुपए किलो है। और आंवले का, आंवले का लड्डू सर, ये डब्बा है ना, ये 250 ग्राम का है, तो ये 100 रुपए का, ठीक है। और कैंडी क्या रेट है? कैंडी का भी यही सर, 400 रुपए किलो, आंवले का जो प्रोडक्ट है उनका 400 रुपए किलो है। काफी सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं यहां। ये जो मटर है, ये हमारा 80 रुपए का पैकेट है जी बाजरे का।